हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में तीसरा वेस्टर्न बीट का लेसन मैं बताने वाला हूँ। तीसरा वेस्टर्न बीट लेसन, जिसने पहला और दूसरा नहीं देखा वो पीछे जाके देख ले। ये तीन वेस्टर्न बीट आपने तैयार कर लिया, आपका किसी भी गाने में कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग हो या फिर कोई भी गजल हो या फिर कोई भी आप गीत वेस्टर्न बीट वाले जो भी सॉन्ग्स आप बजाना चाहते हैं तो उसमें ये तीनों वेस्टर्न बीट तैयार कर लीजिए। बहुत ईजी है और आपको काम आएगी। ये तीन ही आप तैयार कर लेंगे जैसे मैंने तैयार किया है, कोई भी गाना हो। ये तीनों वेस्टर्न बीट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी किसी भी सॉन्ग के लिए, है ना। मैं आपको गाना गा गा के भी बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने गाने गा के बताया कि इस इसमें ये बजता है, इसी इसी में नहीं, आप जिसमें बजाना चाहे उसमें बजा सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, इससे कोशिश कीजिए बजाने की। और बहुत सरल बोले, बहुत धीमी गति में मैं इसको बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो तीसरी वेस्टर्न बीट बताने वाला हूँ, एक बहुत फेमस सॉन्ग हुआ था अभी आशिकी टू का, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ये वाली वेस्टर्न बीट, है ना। तो ये कैसे दा, हर एक गाने में इस तरह से आप बजा सकते हैं ना। तो ये कैसे दा दिन धा घितक धिन, आप ये बजाए धा घितक क्या बजाएंगे पहले, धा घितक धिन धा घितक, फिर से देखिए घितक धिन घितक गे, है ना। बहुत अच्छे से मुझे भी समझना पड़ता है कि हाँ कैसे आपको बताना है ये, है ना। धीमी गति में धा घितक गे, है ना, धा घितक गे, धा दबा के घे त ग है ना। इतना पार्ट पकड़ लीजिए, धा घितक घे धा घे त ग घे धा घितक घे, समझ गए। धा बजाइए घे त ग घे, है ना। अब इसको कंटिन्यू धा घितक घे, इतना ऐसे कीजिए धा घितक घे, फिर थोड़ा लेंदी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे भी कैसे बताऊं।